फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लोग सोते हैं तो खर्राटे बहुत लोग भरते हैं। खर्राटे क्यों आता है, उसका कारण क्या है, निवारण क्या है, साइन एंड सिम्टम्स, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है, इन सबको मैं डिटेल से क्रम से बताऊँगा। फ्रेंड्स इसको इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखें तो आपकी जो खर्राटे आने वाली प्रॉब्लम है 101% ठीक हो जाएगी। और मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो ध्वनि निकलती है मुंह से, तो मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसमें मेन प्रॉब्लम ये आता है कि जो हमारी ट्रेकिया होती है, ये ट्रेकिया और ये नोज़ जो है उसके अंदर जो पैसेज एयर पैसेज है उसमें ब्लॉकेज होने लगता है, ब्लॉकेज ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो आवाज़ होती है वो इस तरह से आती है। और मैं उसको एक वीडियो के माध्यम से भी आपको बता रहा हूँ कि देखिए इस तरह की आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो अगर इस तरह की आवाज़ आपको आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और फिर उसके बाद में आप इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज, आप होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लें फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मान लें 4-5 लोग सोने तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग अभी आगे की बात करते हैं। तो ये होता क्यों है, जैसे खर्राटे एक तरह की ध्वनि होती है, मतलब कहने की एक तरह का साउंड है। और ये पैदा कब होती है, ध्वनि तब पैदा होती है जब व्यक्ति नींद के दौरान अपनी नाक और गले के माध्यम से स्वतंत्र रूप से हवा नहीं ले पाता है। मैंने कहा कि जब नाक से और मुंह से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है तो ये प्रॉब्लम होती है। जब हवा का बहाव गले की त्वचा में स्थित ऊतकों में कंपन पैदा कर देता है, मतलब वाइब्रेशन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। जो लोग बहुत खर्राटे लेते हैं उनके गले और नाक के ऊतक में बहुत ज़्यादा कंपन होता है, मीन्स जो नेक है यहाँ और नाक के ऊतकों में टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। पुरुषों में अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, अपेक्षाकृत फीमेल में, और 40% वयस्क अडल्ट पुरुष इससे प्रभावित हैं और फीमेल जो होती हैं अडल्ट फीमेल वो 24% प्रभावित हैं। खर्राटे को अक्सर नींद के साथ जोड़ा जाता है, बट ऐसा नहीं है। जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, और जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होती है उसके सिम्टम्स ये होते हैं, सोने के दौरान नाक से आवाज़ आना, दिन में ज़्यादा नींद आना, ध्यान में कठिनाई मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, सुबह सिर में दर्द होना, गले में खराश, नींद में बेचैनी रेस्टलेसनेस, रात को सोते समय बहुत दम घुटना और हाँफना, मतलब शाम को आप सोते हैं तो दम घुटता है, हाँफते हैं, और हाई बीपी आपकी बढ़ी हुई, रात के समय सोने में दर्द, रात के समय सोते समय सीने में दर्द, जिसको एक एंजाइना पेक्टोरिस भी कह सकते हैं, और आपके जो साथ में सो रहा है उसको परेशानी होती क्योंकि आप ज़्यादा खर्राटे लेते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सिम्टम्स। अब जो स्नोरिंग, इंग्लिश में इसको स्नोरिंग बोलते हैं, इसके कॉज क्या है, कॉज ऑफ स्नोरिंग, ठीक है, मुंह या नाक से निकलने वाला रास्ता रुक जाता है, तब खर्राटे की स्थिति पैदा हो जाती है और हवा का बहाव कम होने के निम्न कारण हैं। जो कॉज है वो मोटा मोटा ये है, कॉज ऑफ स्नोरिंग के, कि जो हमारी नाक है या मुँह है उसमें जो गैस या हवा पास होती है उसका जो रास्ता होता है, पैसेज होता है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अब वो ऑब्स्ट्रक्ट क्यों होता है, उसके क्या क्या रीज़न है, जैसे ऑब्स्ट्रक्ट होने का पहला रीज़न है, फर्स्ट, नाक के वायुमार्ग में रुकावट। तो नाक के वायुमार्ग में रुकावट किन किन कारणों से हो सकता है उसको हम डिटेल में आपको बताते हैं। लोगों को खर्राटे सर्दी के दिनों में या साइनस में संक्रमण के दौरान ही होते हैं। नाक में विकृति होना, जैसा नेजल सेप्टम हो जाना, नाक के अंदर मांस बढ़ जाना, या उसमें छोटे छोटे कणों के कारण भी वायुमार्ग में रुकावटें आ सकती हैं, या फिर नाक में म्यूकस इकट्ठा हो जाना, गंदगी इकट्ठा हो जाना, जिसकी वजह से भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण हो सकता है मांसपेशियों की कमजोरी। जो दूसरा कारण है वो मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, रास्ता रुक जाता है, और आमतौर पर गहरी नींद, अधिक अल्कोहल सेवन से, या फिर नींद की बीमारी, नींद की दवा लेते हैं हम लोग उसकी वजह से लेने के कारण उम्र बढ़ने से मांसपेशियों का सुस्त हो जाना भी एक साधारण बात है।
कहने का मतलब मांसपेशियों की वीकनेस हो जाती है, वीक हो जाती है, वे भी एक कारण है। गले के ऊतकों में भारीपन, जो आप हमारा गला होता है, थ्रेड होता है, उसमें काफ़ी हॉर्सनेस हो जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है और ये मोटापे के कारण होता है। फ्रेंड, इसके साथ कई बार वे बच्चे जिनको टॉन्सिल एडिनोइड की प्रॉब्लम है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि इसकी साइज़ बढ़ जाती है। और चौथा कारण है पैलेट उबला का बढ़ जाना या नरम हो जाना। जो हमारा पैलेट होता है वो माउथ के अंदर होता है, उसका बढ़ जाना या नरम हो जाना। अब इससे बचा कैसे जाए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक मेडिसिंस। होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है एलेन कंपनी की, स्नोरेट। स्नोरेट को ले लीजिए। और उसको लेना कैसे है, सोने से पहले 15 ड्रॉप पानी में डाल के, 10 ml पानी में डाल के पीना है। और जब आप सोने जाते हैं बिस्तर पे, तो फिर आप उसको रिपीट करिए। और ये कोर्स 3 महीने से 4 महीने कीजिए और इसका एकदम वंडर रिजल्ट आएगा। इसके साथ ही साथ और क्या आपको करना है, खर्राटे से बचाव के लिए सबसे पहले मोटापे को कम करिए, मतलब मोटापा जो आपका है उसको कम करिए। एक तरफ मुंह करके सोइए। दूसरा, नाक की रुकावटों का इलाज करवा लीजिए, मतलब पॉलिप है, सेप्टल है, ये सब होम्योपैथी में हो जाता है और इजीली वे में हो जाता है। जो उसको अंदर म्यूकस भरा हुआ है, गंदगी है, वो सब साफ़ करा लीजिए। अल्कोहल और नशीली दवाओं, जो आपकी नींद की दवा लेते हैं, अल्कोहल पीते हैं या फिर और ड्रग्स, कुछ भी XYZ लेते हैं, उन सबको अवॉइड कीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। और स्मोकिंग को छोड़ दीजिए। पर्याप्त नींद लें, 6 से 8 घंटे की। और इसका जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, वो CT स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, या फिर आप डॉक्टर से भी डायग्नोसिस करा सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी नॉलेज वीडियो अब तक पहुँच सके फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।